वो पक्का हुआ खाना था चाहे वो कच्चा खाना था, आपने भी कोई कमी नहीं रखी, खूब जमकर ये सब बांटा गया। और सरकार ने समय रहते हुए 2 महीने का एक साथ में 78 लाख 78 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को 2 महीने की पेंशन एक साथ दी गई। एक पेंशन 1 महीने की 700 करोड़ होती है, तो हमने करीब 1400 करोड़ रुपये दिए थे। इसी प्रकार जो 33 लाख जो श्रमिक है, रिक्शा चालक है, निराश्रित है, निर्माण मजदूर है, और जितने भी सोशल सिक्योरिटी में जो जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी, और जो असहाय लोग थे, उन सबको हमने सूखे खाने के पैकेट अलग दिए, और 4 करोड़ 46 लाख लोगों को 10 किलो अनाज फ्री दिया गया। 5 किलो भारत सरकार ने अनाउंस किया था, पहले 5 किलो हम लोग 2 रुपये किलो 1 रुपये किलो देने को फ्री कर दिया, फिर भारत सरकार जो 5 किलो हुआ तो 10 किलो हो गया, और 2500 रुपये, पहले 1000 रुपये फिर 1500 रुपये, 1500 रुपये हमने सभी लोगों को 33 लाख लोगों के खातों में डाले। ये खाते नहीं थे, उनको कैश दिया गया। इसी प्रकार 54 लाख लोग जो बच गए थे, जिनमें जो नाम तो है उनके फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, परंतु ज्यादा नाम होने से गेहूँ कम मिला भारत सरकार से, क्योंकि भारत सरकार का जो फॉर्मूला वो 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर गेहूँ बांटा जा रहा है देश में राज्यों को। अब 2020 आ गया है तो संख्या बढ़ गई है, गेहूँ कम मिल रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं। कल भी मैंने प्रधानमंत्री के साथ में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैंने ये मामला उठाया और उनको कहा मैंने कि अगर आपने अभी नहीं दिया तो हमें करीब 80 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ा 1 महीने के लिए। तो हमने FCI से 21 रुपये किलो मार्केट प्राइस से खरीद करके हमने बांटा है, जिनके नाम तो है परंतु उनको मिल नहीं रहा है। एक प्रॉब्लम आती है जो अभी आप जब बात करेंगे अपनी, तो मुझे मई जोशी जी ने, प्रताप सिंह खाचरवाल जी ने बताया कि जयपुर के अंदर बहुत कम नाम है इस फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। ये प्रॉब्लम कई शहरों के अंदर भी है। हमने कल जो VC की उसमें ये बात उठाई है कि किस प्रकार से हम लोग जो लोग बच गए हैं उनको नाम कहीं जोड़े जाए। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि इस ऐसे वक्त में जब हम लोग संकट में हैं, एक तरफ लॉकडाउन है, आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई है, तो सोशल सिक्योरिटी में हम लोग ध्यान देंगे तो एक शांति सद्भाव बना रहेगा। इसलिए जो प्रेग्नेंट औरतें थी उनके लिए हमने पूरी ट्रैकिंग कर रही है। पास की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो कल परसों रात को उसका सरलीकरण हो गया, क्योंकि भारत सरकार की नई गाइडलाइन आ गई थी, उसके आधार पर मैंने फैसले किए हैं। इस प्रकार से एक तो ये सेक्टर, एक रहा है श्रमिकों का सेक्टर, जिसमें श्रमिकों का आवागमन करीब 7 लाख हो चुका है आज तारीख तक, 1.5 लाख लोग गए हैं, बाकी लोग आए हैं। इसमें मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, श्रमिक बड़ी संख्या में और आएंगे, प्रवासी भी आएंगे, हम सब लोग, क्योंकि मैंने परसों जो विषय ली थी जोधपुर डिवीजन, उदयपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन के साथियों से, सबने बहुत अच्छे सुझाव दिए। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम सब मिलकर के अब हमारे सामने दिक्कत आएगी जो बाहर से लोग आ रहे हैं, एक तरफ उनका हम स्वागत करें, सत्कार करें, जो हमारी परंपरा है, आने में बड़ी उनको कष्ट हो रही है, क्योंकि अभी कई तरह के बंदिश थे भारत सरकार के, ना ट्रेन थी, ना बस अलाउ थी, ना कार अलाउ थी। हमने बीच में प्रयास किया, कुछ लोग आ गए बिना इतला दिए हुए, गांव चले गए, तो लोगों ने कहा ये संक्रमित लोग आ गए तो पता नहीं और फैल जाएगा गांव के अंदर भी, अभी तक गांव बचे हुए हैं। अब मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है सबकी, कि गाँव को कैसे बचाएं। शहरों में तो आप सबके सहयोग से मैनेजमेंट हो गया, जो शहर शहरी होते हैं, सब कुछ हेडक्वार्टर होते हैं वो, परंतु गांव जो है, अगर वहां संक्रमण फैल गया, और कल बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बाहर के लोग आने के बाद में, मेरे यहाँ पहली बार 100
16 लोग संक्रमित आ गए। अगर गांव के लोगों में संक्रमित आ गए, हमने क्वारंटाइन ध्यान से नहीं किया, तो एक बहुत बड़ी चुनौती राजस्थान आपके हमारे सामने आ जाएगी, जिसको निपटना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि गांव-गांव में अगर ये बीमारी फैलती है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, कैसे डॉक्टर नर्सेज, ये काम मैं समझता हूँ बड़ा चैलेंज वाला हो जाएगा, बड़ा संकट वाला हो जाएगा, बड़ा चिंता वाली बात हमारे साथ होनी चाहिए। इसलिए सरकार आपसे सलाह भी करना चाहती है कि हम चाहेंगे क्वारंटाइन जो है उस पर हम लोग जोड़ दें। अब साफ सफाई चल रही है, छोटी मोटी शिकायतें आप बताएंगे हम लोग तो ठीक करते जाएंगे, हम लोग भी लगे हुए हैं। पर अगर ये क्वारंटाइन का काम जो है ये गांव बड़े गांव में या ग्राम पंचायत मुख्यालय पर या SDO हेडक्वार्टर पर जो संस्थागत क्वारंटाइन करेंगे वो करना पड़ेगा SDO हेडक्वार्टर पर, जहाँ बिल्डिंग मिल सकती स्कूल की भी या पंचायत भवन का या कुछ भी संभावनाएं हैं, हमने उसी तैयारी शुरू कर दी है। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आपको लगे नहीं कोई आपके क्षेत्रों में गांव बड़े हैं वहां पे क्वारंटाइन हो सकता है, वो भी अपन देख सकते हैं। गांव वाले कई जगह कुछ एतराज कर सकते हैं, साहब आप इनको अलग रखिए पहले वरना हम लोग भी संक्रमित हो जाएंगे। उनकी भावनाओं को भी हमें समझना पड़ेगा और उनके सहयोग से क्वारंटाइन कोई घर बड़ा किसी का है और डिसिप्लिन मेंटेन करता है तो वो अपने घर पे भी रह सकता है। घर पे क्वारंटाइन करना ज़्यादा आसान है उसके खुद के लिए भी हमारे लिए भी। पब्लिक को ये समझाना पड़ेगा कि ये जो संक्रमित का कोई केस आ भी गया है घबराए नहीं, चिंता नहीं करे। ये समझाना पड़ेगा ये जो क्वारंटाइन हो रहे हैं संडे के या सिम्टम के आधार पर, उससे कोई चिंता नहीं करे। अभी ऐसी स्थिति बन गई है कि सब लोग उनसे दूर रहते हैं। क्वारंटाइन सेंटर जयपुर बने हुए हैं, उनकी रिपोर्ट भी मैंने कल रात को ली तो मालूम पड़ा कि उनको खाना भी अन्य सुविधाएं भी दूर से दे रहे हैं, उनकी तरफ जाने से घबराते हैं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग प्रोटोकॉल जारी कर रहे हैं। आपसे मैं इतना निवेदन करूंगा ये जो क्वारंटाइन वाला काम है इसको आपको जरा इंटरेस्ट लेके अपने घरों से या जहाँ आप लोग कहीं बात कर सकें उन सबको मोटिवेट करना चाहिए, जो हमारे अपने वर्कर हैं पॉलिटिकल पार्टियों के हैं या गांव में जो हमारे जो भामाशाह टाइप लोग हैं या सोशल वर्कर हैं उनके सहयोग लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये सबको कहना पड़ेगा जो 50 साल से बड़े हैं 60 साल से बड़े हैं और कोई बीमारी लगी हुई है उसका विशेष ध्यान रखें। कोरोना जब घुसता है तो यंग लोग तो बच जाते हैं पर यंग आदमी भी अगर कोई बीमार है, कोई बीमारी से ग्रस्त है, किडनी से या कैंसर से या डायबिटीज से या किसी से भी, तो ये सिद्ध हुई बात है कि कोरोना के इफेक्ट होने के बाद वो बीमारी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। कोरोना से नहीं मरता बल्कि उस बीमारी से मर जाता है, पर जो टेस्ट होता है तो नाम आता है कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट है। तो मेरा मतलब ये तमाम एजुकेट करने का काम अब हमारे पास में बड़ा है। हमने कल रात को तय किया है कि अब हमारा ध्यान जो है ज़्यादा एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाना चाहिए जो खुलने लग गया है, बिना रेवेन्यू के मजदूरों क्या सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने की तकलीफ आ जाएगी राज्यों में।